Bismillah ar Rahim alaikum dear students. How are you all? I hope you all will be fine. Today is your computer class and I am your computer teacher. So all of you open your computer books and take out page number eight. Now let's start the reading of page number eight. डिवाइसिस दैट हेल्प आस इंटर डेटा एंड प्रोग्राम्स इन टू द कंप्यूटर आर कॉल इनपुट डिवाइसिस स्टूडेंट जैसे कि हम पीछे पड़ चुके हैं कि कंप्यूटर्स के तीन मेन टास्क होते हैं इनपुट आउट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट जब हम कोई डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो उसको हम इनपुट कहते हैं और जब कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो इस डेटा की प्रोसेसिंग करता है तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं और उसके बाद जब वो डेटा प्रोसेस हो के हमारे पास रिजल्ट की फॉर्म में आता है जिस रिजल्ट की फॉर्म में आता है उसको हम कहते हैं आउटपुट तो यहाँ पे विज़ हमें बता रहा है कि कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारी हेल्प है करती हैं जब हम कोई डेटा या कोई प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं इसके अलावा जो है डिवाइसेस दैट प्रेजेंट प्रोसेस्ड डेटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसिस तो जब हम कोई डेटा जब है या कोई प्रोग्राम हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो जब वो उनकी प्रोसेसिंग होती है और जब वो प्रोग्राम जो है या वो डेटा जो है प्रोसेस्ड हो के हमारे पास जो डिवाइस उसको प्रेजेंट करती है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है लेबल द पिक्चर्स बिलो एंड स्टेट वट काइंड ऑफ डिवाइसिस दे आर अब डे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं आपने क्या करना है इन पिक्चर्स को लेबल करना है और आपने ये बताना है कि ये डिवाइसेस जो हैं ये कौन कौन सी किस किस किस्म की डिवाइसेस हैं अब यहाँ पे आपको देखें पिक्चर नंबर वन में आपको नज़र आ रहा है कीबोर्ड इस डिवाइस का नेम है कीबोर्ड तो आपने यहाँ पे राइट करना है कीबोर्ड और ये जो कीबोर्ड हमारे पास है ये कौन सी डिवाइस है ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है क्योंकि जब हम कंप्यूटर में जो भी वर्ड इंटर करते हैं या जो भी हम नंबर इंटर करते हैं या जो इंफॉर्मेशन या कोई डेटा जब हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो इस लैपटॉप की मदद से ही, इसकी हेल्प से ही हम वो डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है इसके बाद आपको ये पिक्चर नंबर टू नज़र आ रही है पिक्चर नंबर टू में हमारे पास हैं स्पीकर्स। इस डिवाइस का नेम है स्पीकर्स आपने यहाँ पे राइट करना है स्पीकर्स अब ये स्पीकर्स हमारे पास कौन सी डिवाइस है ये हमारे पास है आउटपुट डिवाइस हमारे पास ये आउटपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि ये हमें कंप्यूटर का जो हमने कंप्यूटर में जो इन डेटा इंटर किया होता है या हमने कोई प्रोग्राम हमने कंप्यूटर में इंटर किया होता है तो ये हमें उसका रिजल्ट देता है हम इसको सुनते हैं इस पर जो है तो हम इसके ज़रिए हम सुनते हैं हमने जो कंप्यूटर में इंटर किया होता है तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो हमें कंप्यूटर इसके थ्रू हमें शो करता है या हमें इसके थ्रू वो अपना रिजल्ट देता है तो हम स्पीकर को इनपे जो है तो हम सुनते हैं इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे थर्ड पिक्चर माउस की है ये देखें यहाँ पे आपने माउस राइट करना है माउस जो है ये भी हमारे पास कौन सी डिवाइस है इनपुट डिवाइस है क्योंकि जब हम कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर को, को कोई कमांड कमांड देते हैं या हम कोई कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं डेटा वगैरह तो वो भी हम इन माउस की मदद से जो है वो हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है इसके बाद जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है नेक्स्ट पिक्चर में स्कैनर ये जो है स्कैनर है हमारे पास स्कैनर जो है वो भी हम जो है तो इमेजेस को जो है तो वो इमेजेस को कैप्चर करने के लिए पिक्चर्स वगैरह को मैगजीन से हम जो पिक्चर्स कैप्चर करते हैं और वो पिक्चर्स जब हम कंप्यूटर में आ, डालते हैं तो वो ये जो है ये में हमारे पास इनपुट डिवाइस है स्कैनर जो है ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम इसकी मदद इसकी मदद से हम जो है तो इमेजेस वगैरह जो हैं तो वो कंप्यूटर में एंटर करते हैं इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें ये ग्राफिक्स टैबलेट है हमारे पास ये ग्राफिक्स टैबलेट जो है ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है हम क्या करते हैं जो भी हम आ, ग्राफिक्स की मदद से जब हम कुछ डेटा वगैरह कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो हमारे पास जो है तो ये ग्राफिक टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है इसके अलावा जो है ये आपको प्रिंटर नज़र आ रहा है जब हम कंप्यूटर जो है तो जब कोई कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन हम पुट करते हैं फिर जो है तो वो उनको प्रोसेस करके उसका जो रिजल्ट हमें आउटपुट ये डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर तो प्रिंटर जब हमें कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देता है उसका रिजल्ट हमें देता है तो वो हमें कागज़ पे प्रिंट करके उसका रिजल्ट हमें दे देता है तो ये जो प्रिंटर है ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पे देखें एक्सप्लोर विद वेज यहाँ हम क्या करेंगे विस के साथ एक्सप्लोर करेंगे विस्क के साथ हम यहाँ पे ये यह ढूंढेंगे इनके वर्ड्स जो है सूटेबल वर्ड्स जो हैं वो हम यहाँ पे राइट uh, करेंगे इनके आंसर्स राइट करेंगे इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे विस कहता है सॉल्व द क्लूज एंड राइट द आंसर्स अपने यहाँ पर ये क्लूज जो हमें दिए हुए हैं हमने इनको सॉल्व करना है और इनके आंसर जो हैं वो यहाँ पर राइट करने हैं अब यहाँ पे राइट हुआ हुआ है नंबर वन डिस्प्लेज आउटपुट मॉनिटर हमें जो आउटपुट uh, जो होता है वो हमें डिस्प्ले होता है किस पे मॉनिटर पे जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट करते हैं यानी डेटा जो इंटर करते हैं तो उस जब वो प्रोसेस होने के बाद उसका जो आउटपुट हमें उसका जो रिज़ल्ट हमें शो होता है जब उसको वो हमें रिज़ल्ट दिखाता है तो वो किस पे डिस्प्ले करता है उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है तो हम उसका नतीजा किस पे देखते हैं मॉनिटर पे देखते हैं फिर इसके बाद जो है प्रोसेस डेटा इनटू टू इन्फॉर्मेशन सी हमारे पास जो डेटा जो है वो कहाँ पे प्रोसेस होता है जब प्रोसेसिंग उसकी कहाँ पे होती है सीपीयू में हमारे पास जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है उसमें जो है तो डेटा जो हम डेटा इंटर करते हैं जब उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो प्रोसेसिंग उसकी कहाँ होती है सीपीयू में होती है उस डेटा की नाउ पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं जैसे हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए लैपटॉप्स वगैरह और टैबलेट्स वगैरह ये हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं इसके अलावा जो है पावरफुल बट बल्कि मेन फ्रेम्स कंप्यूटर हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं लेकिन साइज़ में बड़े होते हैं बट बल्कि बल्कि मेन साइज़ में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं इलेक्ट्रिक सिटी मीटर एनालॉग कम्प्यूटर हमने पीछे पढ़ा है जो स्पीडोमीटर्स जो होते हैं वो जो है तो एनालॉग कंप्यूटर्स में लगे होते हैं तो इलेक्ट्रिक सिटी मीटर्स एनालॉग कंप्यूटर आपने यहाँ पर राइट करना है कम होते द नेक्स्ट क्वेश्चन आर दी स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमें नीचे दी हुई हैं अब आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं तो क्वेश्चन नंबर वन है अ कंप्यूटर कैन नाट रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस अब ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है या ट्रू है ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट्स है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है हम जब उसमें कोई इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देता सो इट इज़ फॉल्स क्योंकि हम जब कंप्यूटर में कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो फ़ौर से उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है और फ़ौर से उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट आपने यू विल राइट अ फॉल्स हेयर नाव नंबर टू ओनली वन पर्सन कैन यूज़ अ मेन फ्रेम एट अ टाइम अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही शख्स जो है वो मेन फ्रेन कंप्यूटर्स को एक ही टाइम में यूज़ करता है सो दिस इज़ फॉल्स इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे लोग एट अ टाइम यूज़ करते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को विद सेकेंड हमें सॉल्व करके देता है नंबर थ्री मीडियम साइज कम्पनीज़ यूज़ मिनी कम्प्यूटर्स ट्रू मिनी साइज कम कंपनीज जो होती हैं उनमें कौन से कंप्यूटर्स जो हो यूज़ होते हैं मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मीडियम साइज कंपनीज यूज़ करती हैं सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू नंबर फोर कंप्यूटर स्टोर डेटा इन देयर मेमोरी ट्रू कंप्यूटर जो हैं जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो जो है डेटा जो हम उसमें एंटर करते हैं वो उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं या सेव करते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू इसके बाद है नंबर फाइव अ पीसी इज़ आ मिनी कंप्यूटर फॉल्स जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स यू विल राइट अ फॉल्स हेयर हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होते हैं नंबर सिक्स है अ सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स ट्रू जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल uh, कंप्यूटर होते हैं और ये जो है हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स पे ही होते हैं ये मल्टीपल कंप्यूटर से मिलके हमारे पास सुपर कंप्यूटर बनते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू सो यू विल राइट ट्रू हेयर इसके बाद है नंबर सेवन Analog कम्प्यूटर्स solve complex equations slowly. So this statement is false. Analog computers जो होते हैं वो हमारे पास आ, जो है तो equations जो हैं वो solve करते हैं but very fast. वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको फ़ौर से जो पेचीदा क्वेश्चन होते हैं मैथ्स से रिलेटेड उसको जो है तो वो जल्दी से solve करते हैं तो यू विल राइट अ फॉल्स हेयर नंबर एट प्रिसन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर ट्रू हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर के प्रिसशंस होती है जो हमारे पास उसका रिजल्ट होता है वो बिल्कुल सही फॉर्म में होता है वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट जो वो जो है तो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है तो ये इसकी एक फ़ीचर है डिजिटल कम्प्यूटर की सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू सो यू विल राइट अ ट्रू आई होप आज की वीडियो के आपको सबको समझ आ गई होगी और आपने ये जो है तो आज का काम आपने अपनी कंप्यूटर की बुक्स में नोट कर लिया होगा वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर